हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया ऋतु। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जय कर दे, जय देवांशी, जय 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 कर दिया देवांशी ने। ना तो हमारी बाल करने में पानी आ जाता है। अब ऐसा बंद करेंगे कि ना अंदर जाएगा और ना बाहर आएगा। हाँ। तो ये जो पाइप लग रखा है इसकी वजह से पानी नहीं आता ना, बिल्कुल ये मुड़ जाता है। हाँ। तो अब नया लगेगा सर, ये सॉल्वेंट होता है। तो ये सॉकेट लगा दिया है, और कितने सॉकेट लगेंगे सर? इसमें दो सॉकेट। अच्छा, दो सॉकेट एक। हाँ सर, अभी बिल्कुल अब इसमें पाइप डाल देंगे। हाँ, ये लास्ट वाला है। हाँ, ये लास्ट है। ओ लुक छुपना जावो जी, मन दीद करावो जी, रे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं। अरे यार, मुझे ना रैक से बहुत दया आती है, क्या करूं। आजा आजा दोस्तों, हमारी टंकी के पाइप से ना ये निकला है, ये जादू पता नहीं कैसे अपने आप ही हो गया था। ऐसा जॉइंट लगा रहे हैं हम लोग, और ये पता नहीं अपने आप ही कैसे टूट के, ये अपने आप ही कैसे लग गया था। अच्छा, हमने पाइप भी बना दिया और बाल तुम भी बना दिया। अच्छा, और पानी सही से आएगा। अब क्या करना है भैया? अब भैया को पैसे लेना है। हमने एक साल से सोच रहे थे कि जाल लगाएंगे जाल लगाएंगे, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया। अब हम जाल लगा रहे हैं। कबूतर भी बोलेंगे कि आखिर मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया। कर ही लिया। दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम रखेंगे प्लांट। यहाँ पर प्लांट रख देंगे ना। हाँ। आप रो क्यों रही हो? मुझे मम्मी ने मारा। तो आपने मेरा कहना क्यों नहीं माना? मेरे मामा का फोन देखना। तो देखो हमने टाइल्स लगा दी, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और बाथरूम भी ठीक कर दिया देखो। हाँ, बाथरूम ठीक कर दिया, लेकिन अभी थोड़ा साफ करना है। और आगे और देखो, और हमने ये टाइल्स लगा दी बालकनी में, मस्त लग रही है। और ये जाल भी लगा दी है, बढ़िया लग रही है। अब कबूतर बाहर नहीं आएंगे, अंदर नहीं आएंगे। हाँ, अंदर नहीं आएंगे। लग रहा है। अभी हमको बाथरूम भी साफ करना है और बालकनी भी साफ करनी है। बालकनी में सीमेंट का कट्टा है, भैया लेके जाएंगे, फिर साफ करेंगे हम। दोस्तों मैं ये भी लेकर के आया हूँ एक, ये 23 वाट का बल्ब है। तो बहुत अच्छा लग रहा है घर। हाँ। अभी है काम यार, घर के काम कभी खत्म नहीं हो सकते। पापा आपके लिए गरम गरम चाय। थैंक यू। ये लो, पहलो। पापा एक बात बोलूं? नहीं। मुझे अपना फोन दे दो। आज हम लोग ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत पता नहीं क्या अजीब सा हो गया था, मैं एक जगह बैठ गया। ये मैंने पढ़ी है, अच्छी बुक से दोबारा पढ़नी है। देखो कंप्लीट करना गोल नहीं होना चाहिए, उसको समझना और उसको फॉलो करना गोल होना चाहिए। और ये एक बुक है, जैसे मैं स्टूपिड हूँ ना, तो इसलिए मैंने बुक लिए। किताबें, बुक्स। दोस्तों मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मैं आपको किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। मुझे कमेंट्स आए थे कि मेरी फेवरेट बुक कौन सी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फेवरेट बुक जो होती है वो किसी ना अलग अलग तरीके से फेवरेट होती है। बट एक बुक मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अटोमिक हैबिट। क्योंकि हम सभी अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी हैबिट्स चाहते हैं, जैसे सुबह उठना, अपना काम समय पर करना, और पूरा दिन को प्रोडक्टिव बनाना, अच्छा अच्छा खाना है ना, ऐसी एक्सरसाइज करना। तो ऐसी हैबिट्स हम सब चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस बुक में अच्छे से समझा रखा है कि कैसे हम अपनी अच्छी हैबिट को दूसरी अच्छी हैबिट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप ये बुक पढ़ें, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बुक्स पढ़ना। बहुत ईजी लैंग्वेज में ये लिखी गई है,
और जो लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनके लिए तो ये हाईली रिकमेंड है। ये देखिए क्या कर रही है। अच्छा मुझे पराठा दे रही हो। रात में कौन खाता है पराठा? देवांशी। देवांशी खाती है। ये स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे फोन कब मिलेगा। हाँ, मुझे फोन चाहिए आज। अजय मेरे बच्चे तो मैं भी सुनाऊं कि आपका तूत काला है। हाँ सुनाओ। बेटा बोलता है मम्मी मैं पढ़ते पढ़ते टीवी देख लूं। मम्मी बोलती है ठीक है देख ले। अच्छा तब मम्मी बोलती है चालू मत करना। क्या मत करना? टीवी तो चालू मत करना। दत्तू आपका हाथी है ना? बहुत ठीक है। दोस्तों मैं और आशी ना स्टैंड अप कॉमेडी की प्रैक्टिस करते हैं डेली। तो हम कुछ चुटकुले एक दूसरे को सुनाते हैं अपने अंदाज में। तो जैसे एक बार ना एक लड़की टपकने वाली होती है तो यमराज उसके पास आता है और कहता है बेटी बोल तुझे नरक में जाना है या स्वर्ग में बता। लड़की बोलती है यमराज अंकल जी मेरे ना धरती से ना मोबाइल मंगा दो और चार्जर बाकी मुझे कहीं भी भेज दो मेरा टिकटॉक और रील चलता रहेगा तो मैं स्वर्ग हो या नरक बस खुश रहूंगी। क्या हुआ बाबू मारूंगा मैं। दोस्तों अब है बारी राशि की और देखते हैं राशि स्टैंड अप कॉमेडी मतलब चुटकुला कैसे सुनाती है। पप्पू की पत्नी पप्पू से बोलती है कि एक काम के वक्त ना किसी से मत किया करो। अच्छा तभी पीछे से उनकी काम वाली बाई बोलती है कि मैडम ढंग से समझा दो मैं तो ना बोल बोल के थक गई हूँ। मैं भी आपको बोल बोल के थक गई। टिक टिक टुक टुक। तो आज की कॉमेडी हो गई। क्या हो गई? आज की कॉमेडी। कॉमेडी हाँ। और कल सुबह हमको जल्दी उठना है और मैं बनाऊंगी सबके लिए स्पेशल डिश। स्पेशल डिश? यस। क्या बात है दीवानी तैयार हो? तैयार हो तो चलो ठीक है। आर यू रेडी? हां। ग्रीन टी पियोगी? नहीं आई डोंट वांट। ये क्या है बताओ? ये है ग्रीन टी। ग्रीन टी है ये? ठीक है पहलो। ये तो बोली है चा। दोस्तों मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। हाँ सुनाओ। बेटा बोलता है मम्मी को मम्मी मैं टीवी देख लो पलते पलते। अच्छा मम्मी बोलती है ठीक है देख लो चालू मत करना। तो तुम आपको हंसी आई ना? बहुत ज्यादा। ठीक है। पापा